हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और वहीं लॉकडाउन के बीच किसानों का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों को उनकी फसल की राशि का भुगतान होने को लेकर सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 घंटे में किसानों की फसल के भुगतान का वादा किया था, लेकिन फसल का भुगतान कई दिन बीतने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। गेहूं की बिक्री की शुरुआत को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न तो किसानों को और न ही आढ़तियों को अभी तक कोई भुगतान किया गया है। उन्होंने सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है।